हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहित फैसल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सीरियस मैटर में बात करने वाले हैं रिगार्डिंग पबजी मोबाइल लाइट। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक और बात, आज से मैं एक चीज़ स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। बहुत सारे भाई लोग बोलते कमेंट्स करके कि मुझे शाउट आउट दे दो, मुझे शाउट आउट दे दो। तो मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, मेरी वीडियोज़ में सबसे पहले जो 10 कमेंट्स आएंगे उसको मैं हर नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। सो ये आज से स्टार्ट करने वाले। तो मेरे पिछले वीडियो में जो सबसे पहले 10 कमेंट्स आए थे उनको आज मैं शाउट आउट देने वाला हूँ। तो ये सिलसिला जारी यानी कि चलता रहेगा, जैसे जैसे वीडियो हमारा आता रहेगा। आपका सबसे पहले 10 में से एक कमेंट्स होगा तो आपको भी शाउट आउट मिलेगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड और लेट्स सी आज के सबसे पहले 10 कमेंट्स कौन है। तो मेरे पिछले वीडियो में 10 सबसे पहले कमेंट्स करने वाले थे वायरल वीडियो भाई को ह्यूज शाउट आउट, लक्ष्य शर्मा भाई को ह्यूज शाउट आउट, हेरी लाइफ भाई को ह्यूज शाउट आउट, गेमिंग विद जहीज भाई को ह्यूज शाउट आउट, करण गेमिंग एक्सपर्ट भाई को ह्यूज शाउट आउट, बीस गेमिंग भाई को ह्यूज शाउट आउट, यस भाई को ह्यूज शाउट आउट, राहुल भाई को ह्यूज शाउट आउट, तारिक भाई को ह्यूज शाउट आउट, मोहम्मद असीज भाई को ह्यूज शाउट आउट। सो गाइस, आप लोगों को भी ह्यूज शाउट आउट मिल सकता है नेक्स्ट वीडियो में। बस आप लोगों को इस वीडियो में सबसे पहले कमेंट्स करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे अब। तो ये वीडियो मैं स्पेशली उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जिनके पास 1GB रैम वाले फ़ोन से या फिर उनके फ़ोन्स में प्रोसेसर एकदम ही ख़त्म है। तो रिसेंटली एक पबजी मोबाइल लाइट का न्यू बीटा वर्जन आया है 0.14.0 और ये आने के बाद बहुत सारे 1GB रैम वाले फ़ोन्स वाले भाई लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनके फ़ोन में ये गेम या तो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ऐप नॉट इंस्टॉल लिखा हुआ था, या फिर इंस्टॉल हो जाता है तो ओपन नहीं होता है, या फिर ओपन होता है तो गेम बहुत ज़्यादा लैग करता है या फिर ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है मैं आप लोग को बताने वाला हूं गाइस। इसके पीछे रीजन ये है कि गेम का साइज अब और ज्यादा बढ़ गया है। अब 0.14.0 जो बीटा वर्जन है गाइस उसका साइज हो गया लगभग 570 या फिर 580। इसके अलावा दोस्तों इन गेम के अंदर आपको सैनहॉक मैप मिलता है जो कि लगभग 90MB का है। तो कुल मिला के गेम जो है 700MB का अराउंड हो चुका है और इंस्टॉल करने के बाद जब गेम को ओपन करोगे तो गेम हो जाता पूरी तरह से 1GB। ओके, तो मेन रीजन दोस्तों आपके फ़ोन में गेम इंस्टॉल नहीं होना या फिर लैग होने का कारण यही है कि गेम का साइज जो है बढ़ गया। तो गाइस इसमें आप लोग जो है टेंशन वालों को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि जब पहली बार पबजी मोबाइल लाइट ओपन हुआ था तब गेम का साइज था सिर्फ और सिर्फ 250MB। तब ये गेम 512MB रैम वाले फ़ोन्स में भी चल जाता था और 1GB रैम वाले फ़ोन्स में तो भाई साहब मक्खन चलता है, एकदम मक्खन मतलब एकदम सर सराता हुआ चलता था। मैंने 1GB रैम वाले फ़ोन्स में भी पबजी मोबाइल लाइट को खेला है और 512 रैम वाले फ़ोन में भी खेल के टेस्ट किया था। मेरे पास एक माइक्रोमैक्स का फ़ोन था, मेरे को एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसमें 512 रैम था और उसमें पबजी मोबाइल लाइट जो लीट सबसे पहले आया था 250MB वाला वो एकदम स्मूथ एकदम मक्खन चल रहा था। लेकिन गाइस आपके आपके आप लोगों के पास तो क्या कीड़ा है, आप लोगों के पास कीड़ा है जो कि बीच बीच में मतलब मचलता रहता है। तो मैंने हमेशा से अपने पहले पुराने वीडियोस अगर आप लोग देखोगे तो उसमें मैंने हमेशा से ये बोला कि फीचर्स इसमें ज़्यादा ऐड मत करो बट गेम प्ले को स्मूथ करो, स्टेबल बनाओ, मतलब लैग वगैरह ये ना हो इस पर ध्यान दो। लेकिन 1GB रैम वाले फ़ोन जिसके पास है वो हमेशा मेरे वीडियो के नीचे ये ज़रूर बोलते थे कि म्यांमार इनको इसमें ऐड करना चाहिए, सैनहॉक मैप ऐड करना चाहिए, आर्केड मोड, वॉर मोड, कस्टम रूम, ये सारी चीज़ें ऐड करना चाहिए। तो गाइस इसका रिजल्ट आप लोगों को यही मिलेगा कि अब आपके फ़ोन में अगर आपके फ़ोन में 1GB रैम फ़ोन है तो गाइस 0.14.0 अपडेट के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके फ़ोन में गेम ठीक से चल पाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि 1GB रैम वाले फ़ोन में 0.14.0 इंस्टॉल नहीं होगा, इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन गेम खेलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि गेम का साइज़ जो है डे बाई डे हर अपडेट के बाद बढ़ रहा है लगभग 250MB से अब जो है 700MB का हो चुका है। तो रीज़न इसके पीछे आप लोग खुद हो क्योंकि आप लोग डिमांड करते हो सैनहॉक मैप, मीरामार मैप, कस्टम रोम, वॉर मोड, ये सब चीज़ आप लोग डिमांड करते हो। तो ऑब्वियसली टेंशन वाले तो भैया जो आप लोग फीडबैक दोगे वो ये फीचर्स ऐड करेंगे, है ना। तो मेरे वीडियो पुराने वीडियोस में हमेशा लोग कमेंट्स करके बोलते थे कि इसमें सैनहॉक वगैरह ऐड कराओ, तो गाइस ऐड तो हो गया लेकिन रिजल्ट ये है कि अब 1GB रैम वाले फ़ोन्स को भैया टाटा बाय बाय कहने वाला है पबजी मोबाइल लाइट। इसके पीछे आप टेंशन वालों को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते। तो सैडली ये कहना पड़ रहा है मेरे को, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ यार इस चीज़ से क्योंकि मेरे ख्याल से मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास 1GB रैम वाले फ़ोन्स हैं। तो गाइस मेरा कहने का मतलब ये है कि फीचर्स डिमांड करने से पहले अपने फ़ोन का कंडीशन देख लिया करो। ओके, आप ये देखा करो आपका फ़ोन जो है ये सारे फीचर्स हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आई डोंट नो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा कोई लॉजिक है कि नहीं है बट बस मेरे मतलब दिमाग में ये आइडिया आया है कि आइडिया आया यार
क्योंकि हर अपडेट 0.5 से स्टार्ट हुआ था शायद पबजी मोबाइल लाइट, तब था 250 MB का, फिर 0.7 या फिर 0.8 आया था तब 300 MB का, फिर 0.10 आया उसमें हो गया 400 MB का, फिर 0.12.0 का बाद वो 500 MB का हो गया। अब जो गेम आएगा 0.14.0 का अपडेट उसमें हो जाएगा 700 MB। तो 0.12.0 खेलते समय तभी भी 0.12.0 जो लोग खेलते हैं जिनके पास 1 GB रैम वाले फ़ोन से अभी भी उनके फ़ोन में लैग करता है 0.12.0, तो आप समझ लो कि 0.14.0 या तो इंस्टॉल होगा ही नहीं, अगर हो भी जाएगा तो गेम खेलना बहुत ही भारी हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो कारण इसका गाइस यही है, आप लोगों ने फीचर्स डिमांड किया, टेंशन वालों ने दिया, लेकिन आपका फ़ोन जो है हैंडल नहीं कर पाएगा। तो फ्यूचर में गाइस अगर फीचर्स डिमांड करने से पहले ये बात ध्यान रखना आपका फ़ोन जो है हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सैडली मेरे को ये कहना पड़ रहा है कि फ्यूचर में पबजी मोबाइल लाइट ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है 1 GB रैम वाले फ़ोन्स में चले, अगर चल भी जाए तो स्मूथ चलना बहुत मुश्किल है। ये GFX टूल कॉन्फिग वगैरह ये भैया ज़्यादा फ़र्क नहीं करता गेम में, आपका फ़ोन में हार्डवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ये GFX टूल या फिर ये कॉन्फिग वगैरह थोड़ा सा 2-3% लैग कम कर सकता है, बट कम्प्लीटली कम नहीं करता। इसलिए मैं ये कॉन्फिग और GFX टूल के ऊपर ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता, मैं चाहो तो 5 मिनट में इसके ऊपर कोई भी वीडियो चिपका सकता हूँ, लेकिन नहीं चिपकाता मैं, क्योंकि मुझे पता है इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैडली ये कहना पड़ रहा है कि 0.14.0 पबजी मोबाइल लाइट अपडेट के बाद 1 GB रैम वाले फ़ोन्स में पबजी मोबाइल लाइट खेलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो जल्दी से फ़ोन को अपग्रेड करो गाइस, अगर फीचर डिमांड कर रहे हो तो, और फीचर डिमांड करने से पहले ये बात ज़रूर सोचना आपके पास कौन सा फ़ोन है। ओके, ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मुझे नहीं पता इसका लॉजिक क्या है, मेरे पास बस मेरा इच्छा किया इसके ऊपर वीडियो बनाओ, आप लोगों को जागरूक करो, फीचर्स मांगने से पहले अपना फ़ोन देख लो। तो बस यही था, बाय बाय, टेक केयर।